टेडी बेयर। इतने अच्छा कार्टून होने के बावजूद भी बहुत सारे पेरेंट्स को ये शो अच्छा नहीं लगता है। इतना ही नहीं, आखिर बच्चों को भी ये सीरीज अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं इस वीडियो में वी बेयर बेयर्स के बारे में पूरा जानकारी दूंगा। हाँ, तो वी बेयर बेयर्स का क्रिएटर है डैनियल चोंग। डैनियल चोंग ही टॉय स्टोरी के कुछ टेलीविजन स्पेशल्स के और कार्स टून के कुछ एपिसोड्स के स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है। इनके अलावा बोल्ड, कार्स टू, मिनियंस के भी स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है। तो अब ये स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट कौन है, मतलब क्या करता है? स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट स्क्रिप्ट को और डायरेक्टर का सोच को मिला के शो में क्या होगा डिसाइड करेगा। डैनियल चोंग एक एनिमेटर, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। वी बेयर बेयर्स और वी बेयर बेयर्स मूवी के लिए डैनियल चोंग इन सभी करता है, एनिमेशन नहीं करता है। वी बेबी बेयर्स को डैनियल चोंग एक प्रोड्यूसर के अलावा कुछ नहीं है। वी बेबी बेयर्स के बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। हाँ, अब शुरू से बताऊंगा। वी बेयर बेयर्स पहले एक कार्टून जैसा नहीं बल्कि एक वेब कॉमिक था। वेब कॉमिक का मतलब है ऑनलाइन कॉमिक। इस वेब कॉमिक का नाम है द थ्री बेयर बेयर्स। ये वेब कॉमिक 2010 में रिलीज हुई। ऑलमोस्ट एक साल के बाद वेब कॉमिक बंद हो गया। चोंग वी बेयर बेयर्स को वाटर कलर से बनाया हुआ कार्टून जैसा दिखाना चाहता था, क्योंकि उससे नेचुरलिस्टिक फील आता है, पर पूरा शो को वैसा करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो चोंग और आर्ट डायरेक्टर मिलके वैसे फील लाने के लिए एक डिजिटल रास्ता को ढूंढ निकाले। उन्होंने पीनट कार्टून्स और द मेनी एडवेंचर्स ऑफ विनी द पूह के रेफरेंसेस दिए। जब वी बेयर बेयर्स के पहला एपिसोड पहली बार आया था तब उसको 2 मिलियन व्यूज मिले। हाँ, क्या आपको पता है पांडा लेंस पहनता है? किसने बोला कि बेयर्स को आईसाइड नहीं होता है? माइकलिक एपिसोड में क्लोई होमवर्क करते हुए एडवेंचर टाइम को देखती है। मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। 40वीं एपिसोड में भी एडवेंचर टाइम का रेफरेंस है। क्या कभी भी आपको डाउट आया था कि हर बार बेयर्स ऐसे ही क्यों हैं? क्योंकि ग्रीजी को लगता है कि वो कैप्टन है शिप का, आइस बेयर को लगता है कि वो बोट है, और पांडा कंफ्यूज्ड है कि वो क्या है। हाँ, इन सभी बेयर्स में आपका फेवरेट बेयर क्या है? मेरा तो आइस बेयर है, क्योंकि वो कूल है। आपका कौन सा बेयर फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हाँ, मैं ये बताना ही भूल गया कि इस चैनल में मैं पहले ही वी बेयर बेयर्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब मुझे और ज्यादा फैक्ट्स मिले इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर इसको देखना है तो आप देख सकते हैं। वी बेयर बेयर्स एक एनिमेटेड सिटकॉम है। सिटकॉम का मतलब है कि सिचुएशनल कॉमेडी, यानी इन शो के कैरेक्टर्स उनके एक्टिंग से दर्शकों को हंसाने का काम करते हैं। एनिमेटेड सिटकॉम का एग्जाम्पल है मोटू पतलू और हॉरिड हेनरी। हाँ, और क्या आपको पता है कि प्राइवेट लेक एपिसोड में पांडा एक फोटो को कोऑर्डिनेट्स के साथ अपलोड करता है। अगर हम उस कोऑर्डिनेट्स के पास जाएंगे रियल लाइफ में तब हमारे सामने कार्टून नेटवर्क एनिमे स्टूडियो रहता है। हाँ, वी बेयर बेयर सीरीज में मेन कैरेक्टर्स के अलावा कोई और जानवर बात करता है तो वो है नॉम नॉम और चार्ली। हाँ, पांडा स्नीज एपिसोड आपको पता ही होगा, तो वो एपिसोड पांडा स्नीजिंग वीडियो से इंस्पिरेशन ली। वी बेयर बेयर्स इतना फेमस है कि पोलार बेयर विकिपीडिया में आइस बेयर के बारे में बताए, मतलब थोड़ा। वी बेयर बेयर्स यूनिवर्स में यूट्यूब के जगह पे एवरीवंस ट्यूब है, गूगल के जगह पे गूक्स है, अमेजोन के जगह पे ग्लैमेजोन है, और ये तो आपको पता ही होगा, विंडोज के जगह पे डोर्स। हाँ, रियलिटी ऑफ वी बेयर बेयर्स के बारे में बोलने से पहले मैं वी बेयर बेयर्स एपिसोड के बारे में बताऊंगा। वी बेयर बेयर्स में पूरे 4 सीजन्स है और उन 4 सीजन्स में 140 एपिसोड शामिल है। वी बेयर बेयर्स मूवी वी बेयर बेयर्स सीरीज का एंडिंग है। रियलिटी ऑफ वी बेयर बेयर्स के बारे में बताने से पहले मैं वी बेबी बेयर्स के बारे में बताऊंगा। एक मिनट, वी बेबी बेयर्स के बारे में भी बताने से पहले अगर आप इस चैनल के फ्यूचर वीडियोस को देखोगे तो सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ तक आगे है तो 2019 में बोले थे कि 2021 में वी बेबी बेयर्स आएगा, लेकिन वो डिले होके 2022 जनवरी 1 को आया। ये शो फोकस करता है 3 बेबी बेयर्स को। ये बेयर्स रहने के लिए घर को ढूंढते रहते हैं एक मैजिकल बॉक्स में। ये कार्टून एनिमे स्टाइल में फीचर की गई है। ये HBO Max में टेलीकास्ट होता है और आप Amazon Prime में देख सकते हो। हाँ, वी बेयर बेयर्स का स्टोरी मोस्टली किसी को भी पसंद नहीं आई।
घटिया। मुझे भी पसंद नहीं आया, मतलब वी वेयर बियर्स वाइब्स नहीं आते, और इसके अंदर का यूज की गई हुई कॉमेडी भी डिफरेंट टाइप का है। हाँ, अब आते हैं थंबनेल की टॉपिक पे। लोगों को ये इसीलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि कुछ एपिसोड्स में वॉयलेंस ज्यादा है, मतलब ऐसे सीन्स थे वो बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। वी वेयर बियर्स को एज रेटिंग 7+ रखने के जगह पे 11 या 13+ एज रेटिंग दी गई होती तो शायद कोई भी कुछ नहीं कहता। हाँ, उनको उन थोड़े सीन्स के अलावा पूरा सीरीज अच्छा लगा। राइट वाली वीडियो को क्लिक करके मेंडन के बारे में जान सकते हो, और लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में ऐसे ही वीडियोस बहुत सारे हैं, तो आप उनमें कोई भी वीडियो देख सकते हो।